outstanding performance. I think every Indian was a historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually paid off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train and provide all kind of facilities. And I'm glad the highest ever medals India has won. At the same time, 128 athletes. This was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Sir, after the Rio rebellion, Indian government came up with a top scheme. Do you believe that has actually made a massive difference? And this is just the start, and by 2024 and 2024, we will have double-digit medal tally. I think that top scheme has actually worked because the focus was only on the elite athletes, their training, their exposure, and to make them play in more events overseas, which gave them more exposure, facilities as well. And especially during the COVID-19 pandemic, when most of the athletes were supposed to train overseas, Indian government tried their best to provide all the facilities under the top scheme. And I'm glad finally the players have to perform on the ground. The athletes has done a fantastic job. Many have missed by a very close margin, but despite that, they won the heart of 135 crore Indians. So in Hindi, if you do. इतने सालों बाद, almost एक century बाद, हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड में एक मेडल और वो भी गोल्ड। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया, जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। सर, जिस तरीके से इंडियन कंटिजेंट ने तैयारियां शुरू करी थी और जिस तरीके से परफॉर्म किया है, 7 मेडल, कई ऐसे खेल जहां पर हमें मेडल मिले, फॉर एग्जांपल हॉकी, एक अलग माहौल सा बन गया है देश के अंदर में। ये कैरी फॉरवर्ड आपको लगता है सर होगा जरूर आगे? देखिए, 41 साल के सूखे को ख़त्म किया तो हॉकी की टीम ने किया, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। वहीं पर महिला हॉकी टीम ने पहली बार क्वालिफाई करके शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर जो हमारा कंटिजेंट गया था, उसमें खिलाड़ियों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। गोल्फ में देखिए, अदिति अशोक बहुत क्लोज मार्जिन से हारी है। दीपक पुनिया को देखिए, बहुत क्लोज मार्जिन से गया। ऐसे बहुत सारे, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि सुधार बहुत हुआ है। और इसके पीछे कारण रहा कि जो टॉप स्कीम में भी एलीट एथलीट्स के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया गया, देश विदेश में उनकी ट्रेनिंग कराई गई, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर हर तरह की सुविधाओं की चिंता की गई। अंततः खिलाड़ियों को ही परफॉर्म करना होता है और खुशी इस बात की है कि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर बार बोले जा रहे हैं कि हर दिशा से सुपर बनना होता है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, बट स्पोर्टिंग पावर हाउस भी बनना पड़ेगा और उसके वजह से हर बार हम देख रहे हैं कि वो सबको। देखिए, खेलों में हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। और मैं तो कहूँगा शुरुआत अच्छी है, क्योंकि मात्र 4-5 साल पहले टॉप स्कीम की शुरुआत हुई, जिससे एलीट एथलीट्स को वो सुविधाएँ देने का प्रयास किया गया। आगे और इसमें संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें, 1983 में वर्ल्ड कप जब पहली बार जीते, कपिल देव उसके कैप्टन थे, तो उससे पहले शायद ही कोई सोचता होगा भारत विश्व कप जीत सकता है। लेकिन उसके बाद उम्मीदें भी बढ़ती गई, बीसीसीआई ने भी अच्छा काम किया, नीचे से खिलाड़ी भी लगातार आते गए। इवेंट्स जितने ज़्यादा होंगे, लोकल भी और ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन जितनी ज़्यादा होगी, उसका लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है शुरुआत अच्छी हुई है। आने वाले 2024 और 2028 की ओलंपिक्स के लिए एक रणनीति के तहत हम उतरेंगे ताकि भविष्य में और मेडल जीत सकें।